दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 30 सितंबर 2023 शनिवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 7 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। 7 विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। इन भर्तियों के फॉर्म फिल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सुनहरा अवसर निकला है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पर रेलवे, एनसीएल, टैक्स डिपार्टमेंट और भी अन्य विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। इनमें कुछ भर्तियाँ ऐसी निकली है जिनके लिए आपको कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहां पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं 30 सितंबर 2023 की 7 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है साउथर्न रेलवे में। दक्षिणी रेलवे के अंतर्गत जूनियर टेक्निकल एसोसिएट JTE की भर्ती निकली है। वैकेंसीज आप कैटेगरी वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 9 अक्टूबर 2023 है। सैलरी जेड क्लास के लिए यहाँ पर 25,000 रुपये है, वाई क्लास के लिए 27,000 है, एक्स क्लास के लिए 30,000 रुपये है प्रति माह के लिए। डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 33 वर्ष आयु सीमा है। फीस SC/ST फीमेल को जमा नहीं करनी होगी। अदर कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस है जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पर, बिना एग्जाम बिना परीक्षा के भर्ती है। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। sr.indianrailways.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर सेकंड नंबर की जॉब निकली है वो निकली है नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में। कोल इंडिया के अंतर्गत ये भर्ती है। NCL के अंतर्गत अप्रेंटिस ट्रेनी की पोस्ट है। 1140 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। आवेदन इसके लिए शुरू होंगे 5 अक्टूबर 2023 से, लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2023 है। 7,700 से 8,050 सैलरी है। 10वीं पास और ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 26 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको यहां पर भी जमा नहीं करनी होगी और ना ही कोई एग्जाम देना होगा। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। NCL CIL.INH की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर थर्ड नंबर की जॉब निकली है वो निकली है कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश में। वाणिज्य कर विभाग MP कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर, वाणिज्य कर निरीक्षक, टैक्सेशन असिस्टेंट कराधान सहायक की पोस्ट है। 245 टोटल वैकेंसीज निकली है। इसमें कमर्शियल टैक्स असिस्टेंट के लिए, जो कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर है उसके लिए 95 वैकेंसीज है। टैक्सेशन असिस्टेंट के लिए 121 वैकेंसीज निकली है। आवेदन इसके लिए भी 5 अक्टूबर से शुरू होंगे। लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2023 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 21 अक्टूबर है। सैलरी आप नोटिस से पोस्ट वाइज चेक कर सकते हो। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस UREWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1200 है। SC/ST OBC PWD के लिए 510 है जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो यहां पर ऑनलाइन एग्जाम से चयन होगा, ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हो। MP मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन है। mptax.mp.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहां पर फोर्थ नंबर की जॉब निकली है वो निकली है डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी एंड पब्लिकेशन ओडिशा में। मुद्रण लेखन सामग्री एवं प्रकाशन विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। फ्रेश अप्रेंटिस की पोस्ट है। 108 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस भर्ती के लिए 25 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर है और आवेदन आप 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कर सकते हो। अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 10th पास ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 14 से 21 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फी जनरल EWS OBC के लिए 100 रुपये है। SC/ST PWD को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। मेरिट से चयन होगा, बिना एग्जाम के भर्ती है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है।
ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी aspet.org.in, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर की जॉब निकली है वो निकली है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में BEML के अंतर्गत ग्रुप सी की पोस्ट निकली है। 119 वैकेंसीज है। 29 सितंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 18 अक्टूबर 2023 है। इसीलिए आप नोटिस से चेक कर सकते हो। 12th ITI डिग्री डिप्लोमा BSc नर्सिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 29, 30, 32, 33, 34, 35 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस जनरल EWS OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 200 है। SST PWD को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। BEMLIndia.in पोर्टल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 6 नंबर की जॉब निकली है वो निकले नेशनल हेल्थ मिशन NHM असम में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्पेशलिस्ट यहाँ पर एंटोमोलॉजिस्ट पब्लिक हेल्थ पर्सनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन डाटा मैनेजर की पोस्ट निकली है। टोटल 345 वैकेंसीज है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। 20,000 से 75,000 सैलरी है। 12th डिग्री PG डिग्री डिप्लोमा MBBS से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 43 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। इंटरव्यू सिलेक्शन टेस्ट के आधार पर चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है NHM.assam.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें 7 और लास्ट नंबर की जॉब निकली हुई है वो है पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। यहाँ पर पोस्ट है इसमें सीनियर असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंट, लॉ ऑफिसर, क्वालिटी मैनेजर, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर ऑडिटर, ड्राफ्ट्समैन, इंस्ट्रक्टर की। टोटल 225 वैकेंसीज है। यहाँ पर 68 वैकेंसीज इसमें बढ़ा दी गई है। आवेदन की डेट भी यहाँ पर एक्सटेंड हुई है। जो 27 सितंबर थी उसको अब 5 अक्टूबर कर दिया गया है। इसलिए आप नोटिस से पोस्ट वाइज चेक कर सकते हो। 10वीं 12वीं डिग्री PG डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 37 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये है। SC BC WS के लिए 250 है। PWD के लिए 500 है। ESM डिपेंडेंट के लिए 200 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। टेस्ट और इंटरव्यू से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। SSSB.punjab.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि 30 सितंबर 2023 शनिवार की टॉप 7 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अब भी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। सभी भर्तियों के इंपोर्टेंट लिंक्स आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।